अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां केंद्रीय नेताओं के लगातार छत्तीसगढ़ दौरे देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है, 1 सितंबर को रायपुर आएंगे और प्रदेश कार्यालय की बैठक में शामिल होंगे। सरायपाली के जनजाति सम्मेलन में भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का दुर्ग दौरा करेंगे और केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मंडाविया दुर्ग के दौरे पर रहेंगे और आमजन से मुलाकात करके जो है आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। मनसुख चुनावी तैयारियों का जायजा भी लेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। नंदलाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदलाल, चुनाव में काफी ज्यादा समय नहीं बच गया, ऐसे में देखा जा रहा है लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय नेतृत्व का दौरा लगातार चल रहा है और अब बताया जा रहा है कि 1 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। जी बिल्कुल अस्मिता, जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का जो है लगातार देखा जा रहा है कि जो है छत्तीसगढ़ दौरा देखने को मिल रहा है और जो है अमित शाह के दौरे से पूर्व जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का भी यहां पर छत्तीसगढ़ दौरा जो है आज है। आज जो है दुर्ग के उतई में जो है आमजन से मुलाकात करेंगे मनसुख मंडाविया और चुनावी रणनीति का आगाज करेंगे। तो देखा जाए तो अमित शाह का जो है कल दौरा है और कल 2 दिवसीय दौरे पर जो है अमित शाह आएंगे। उससे पूर्व में जो है मनसुख मंडाविया का यहाँ पर जो है दौरा देखा जा रहा है और 3 बजे जो है आम जन से मुलाकात करेंगे और यहाँ पर रायपुर पर आकर भी जो है पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे। अमित शाह का भी 2 दिन का दौरा है। तो देखा जाए तो अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर जो है कई कार्यक्रम पर शामिल होंगे और विशेषकर सरायपाली में जो है उनका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सरायपाली में जो है जनजाति द्वारा जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अभिनंदन कार्यक्रम का। तो वहां पर जाएंगे और अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे जो है अमित शाह। तो अमित शाह का जो है कमान लगातार जो है मजबूती से संभालते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं और मनसुख मंडाविया जो है चुनाव के उप प्रभारी भी है यहां पर। तो चुनाव प्रभारी के तौर पर भी मनसुख मंडाविया आज अपने दौरे पर रहेंगे और देखा जाए तो तमाम रणनीति भी तैयार करते नजर आएंगे। और जो है 2 दिवसीय दौरे की बात करते हैं तो जो है आदिवासी जनजाति जो क्षेत्र है कहा जाए सरायपाली, तो वो 4 जो है महासमुंद 4 विधानसभा क्षेत्र है। तो वो 4 विधानसभा क्षेत्र को देखा जाए तो 2 जो है चिन्हित जो चेहरे हैं उनका भी नाम जो है सामने रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों का भी यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इनका दौरा तय किया गया है। और आप जो है ये भी देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा एड़ी से चोटी एक लगा रही है अपने जो है चुनावी विधानसभा चुनावी को मद्देनजर रखते हुए और चुनाव के लिहाज से लगातार जो है केंद्रीय मंत्री यहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं। जी अस्मिता, बिल्कुल नंदलाल, यहां पर देखा जा रहा है कि बीजेपी भी इस और ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है क्योंकि लगातार देखा जा रहा है गृहमंत्री जो है अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के और रुक कर रहे हैं। मगर उसके पहले जो आपने जिक्र किया मनसुख मंडाविया का, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं नंदलाल कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर इस बार भाजपा का ज्यादा फोकस है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर पिछले समय की अगर बात करें, अगर बीते दिनों की भी बात करें तो जो है 12 जातियों को जो है अनुसूचित जनजातियों से भिन्नता कर दिया गया था, जिनको मात्रात्मक त्रुटि की वजह से, जिसमें जो है श्रेय लेने की होड़ भी चल रही थी कि हमने 12 जनजातियों को हमने श्रेय दिया है, तो हमने ये श्रेय लेने की होड़ चल रही थी। इस पर जो है भाजपा का कहना है कि हमारे जो भारतीय जनता की केंद्र सरकार है उन्होंने जो है ये मात्रात्मक त्रुटि को जो है सुधार किया है और इन जो 12 जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति से लाभ नहीं मिल रहा था, अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल पाने की वजह से जो है 2 जाति खास तौर पर आमंत्रित भी किए गए हैं, जो कि उड़ीसा से भी जो है अनुसूचित जनजाति का आगमन जो है सरायपाली में होगा, उनके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो भी जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति के लोगों को साधने का प्रयास
जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। और जैसे ही केंद्रीय मंत्री का जो दौरा होता है, वो दौरा को भी जो है ये जातिगत समीकरण को देखते हुए यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें सरायपाली की, महासमुंद की, तो देखिए चार विधानसभा यहाँ है और चारों विधानसभा में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, तो दोनों में से जो प्रत्याशी का भी नाम चयन कर सकते हैं अमित शाह आएंगे तो। दूसरी सूची जारी करने का भी जिक्र जो है सामने करते हुए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी सूची भी जारी कर सकते हैं। 21 सूची जो जारी किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो 21 सूची पर भी अगर देखा जाए तो या तो पुराने चेहरे के नाम नजर आते हैं जो दिग्गज पुराने चेहरे हैं, या तो सीधे तौर पर देखा जाए तो जातिगत समीकरण पर या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को लेकर यहाँ पर जो 21 सूची जारी किए हैं उस पर जो है उनका नाम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इस बार की जो सूची पर है 28 से 30 लोगों की जो है सूची जारी कर सकते हैं। और जो अमित शाह का यहाँ पर दौरा देखने को मिलेगा तो जो है पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में जो है आयोजित किए गए हैं। तो ये जो अमित शाह आ रहे हैं तो वो है आरोप पत्र को लेकर आ रहे हैं। आरोप पत्र जो है छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जो पिछले बार आए थे अमित शाह, तो उनको थमा दिया गया था, एक बॉक्स दे दिया गया था जिसको लेकर मंथन चल रहा था दिल्ली में। तो वो जो आरोप पत्र की पेटी लेकर आ रहे हैं। आरोप पत्र की पेटी में खास बात यह हो सकती है कि जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो चल रही है और प्रदेश में स्थगित है, तो उसको लेकर भी चर्चा किया जा सकता है। आरोप पत्र में कई ऐसे घोटाले के मामले भी प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है सामने आ सकते हैं। इस प्रकार से तमाम रणनीति लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। खास बात यह है इसमें, क्योंकि जितने भी आदिवासी वोटर हैं, जहां जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले अपने पंचवर्षीय चुनाव में जहां जहां विधानसभा से हारी है, उस विधानसभा क्षेत्र को इस बार ज्यादा फोकस किया जा रहा है चुनावी मद्देनजर रखते हुए। तो इस प्रकार से रणनीति तमाम बनाए हुए हैं और लगातार जो है कमान भी, तो देखिए आप अस्मिता देखिए कि छत्तीसगढ़ की कमान सीधे जो है केंद्रीय नेतृत्व को संभालने के लिए दिया गया है। इस पर कांग्रेस का भी कभी तंज कसती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई ऐसे चेहरे नहीं है, इसलिए सीधे तौर पर देखा जाए तो जो है केंद्रीय लेवल के जो मंत्री है वो सीधे तौर पर रुख करते हैं और जो है कभी कभी तो धुलाई भी करते नजर आते हैं। इस प्रकार से तंज कसते नजर आते हैं कांग्रेस, तो बीजेपी इस पर पलटवार करते भी कई बार ऐसे नजर आती है कि आपके पास जो है कांग्रेस के पास कोई ऐसे चेहरे नहीं है, दिग्गज चेहरे नहीं है जिसको आप छत्तीसगढ़ के दौरे पर बुलाएं। इस प्रकार से सियासत भी देखने को मिलती है। जी अस्मिता जी बिल्कुल नंदलाल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तो दौरा कर ही रहे हैं, मगर ऐसा बताया भी जा रहा है कि आने वाले समय में हमें जल्द ही कांग्रेस से राहुल गांधी भी जो है छत्तीसगढ़ में दौरे पर रहेंगे, तो उसका क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ सकता है जनता पर? जी बिल्कुल, जो है पिछले बार भी अभी हाल ही में जो है राहुल गांधी का यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दौरा रहा, जिसमें काफी उत्साह और जोश कांग्रेस पार्टी की ओर से देखने को मिला। लेकिन ये है कि इस बार जो है फिर से एक बार प्रायोजन बनाया जा रहा है और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का भी यहाँ पर आगमन हुआ, तो काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी में उत्साह देखने को मिला और एकता देखने को मिला। तो देखिए केंद्रीय मंत्री जब आते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, तो कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी देखने को मिलता है, बूस्टर चार्ज देखने को मिलता है। तो इस बार भी प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा का भी प्रभाव यहां पर छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और क्योंकि अभी सरकार भी कांग्रेस की है, तो प्रभावशील तो जो है राहुल गांधी का दौरा बहुत जो है प्रमुख माना जा रहा है। और इस मद्देनजर रखते हुए जो है कई ऐसे योजना का शुभारंभ भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री के हाथों जो है उसका योजना का शुभारंभ कराने के लिए जो है उनका इंतजार भी किया जा रहा है। तो कई ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और प्रदेश में जो है लगातार बदलाव की भी स्थिति देख रहे हैं और जो है बदलाव का भी मीडिया विभाग में भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। तो इस प्रकार से तमाम रणनीति जो है राहुल गांधी के आने से भी तय किए जाएंगे। कई ऐसे विषय वस्तु हैं जिनको उनके आने के बाद जो है बड़ी बैठक रखी गई है कांग्रेस द्वारा, तो वो बैठक में शामिल होकर ऐसे रणनीति का आगाज करेंगे और चुनावी जो है। जी बिल्कुल नंदलाल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे हो रहे हैं और कांग्रेस लगातार इनके दौरों पर तंज कस रही है। जी बिल्कुल, जो है देखा जाए तो महीने
में दो बार भी दौरा केंद्रीय मंत्री का छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो कभी तीन बार भी केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इस प्रकार से अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव जो है दो से ढाई से तीन महीने लगभग बचा हुआ है। इन तीन महीनों में जो है एड़ी चोटी लगाने में अपनी अपनी पार्टियां मजबूती से जोरों शोरों से अपनी पार्टियों को स्टेबल करने में लगी हुई है। और इस प्रकार से जो है कांग्रेस का कहना है कि लगातार केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, कभी तो लोकल चेहरे जो है क्षेत्रीय चेहरे हैं उसके मुद्दे पर भी उसके चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जाए, क्यों आप सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो क्यों आप जो है केंद्रीय मंत्रियों का जो है सहारा लेना पड़ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे नहीं है, क्षेत्रीय चेहरे जिसके बदौलत जो चुनाव जीता जाए? तो इस प्रकार से जो है तमाम जो है सियासत भी देखने को मिलता है। और भी फिलहाल जो है फिर से जो है अमित शाह का जो है दौरा, दो दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले बार भी जब आए थे तो चुनावी आगाज करके शंखनाद करके जो है केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री गए थे। और लगातार देखिए आप प्रधानमंत्री का भी दौरा लगातार देखा गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी जो है लगातार दौरा देखने को मिला। तो कांग्रेस इस पर तंज कसते इसलिए नजर आती है कि जो है केंद्रीय शीर्ष को, केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी चेहरे हैं, उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए बार बार छत्तीसगढ़ में दौरा केंद्रीय मंत्रियों का देखने को मिलता है। कई योजनाएं ऐसी होती है जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी आम जनों के बीच जाती है। तो इस प्रकार से जो है सीधे तौर पर देखा जाए तो क्षेत्रीय जो चेहरे हैं वो लोकप्रिय चेहरे नहीं रह गए हैं, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। बीजेपी भी इस पर लाल, अब ये हम कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले तो चलते रहेंगे, तंज भी लगातार जो है कसा ही जाएगा। इसी बीच अब देखना खासी होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसे अपना जनादेश देती है, क्योंकि लगातार प्रयास दोनों ही पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं। भले अगर हम केंद्रीय स्तर की भी बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार सक्रिय है, तो अब देखने वाली बात होगी आने वाले चुनाव में ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें, खबर रायपुर से आपको बताई, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और 1 तारीख को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही मनसुख मंडाविया भी दुर्ग दौरे पर रहेंगे।